हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HG स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज अपन किलोग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक किलोग्राम बादाम का दाम 900 रुपये है, तो 350 ग्राम का दाम क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपन को क्या निकालना, रुपया निकालना है, ठीक है दोस्तों। 350 ग्राम का कितना रुपया होगा वो निकालना, ठीक है। अगर इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे, अगर यहाँ पर रुपए दे रखे होंगे, जैसे कुछ भी यहाँ पर रुपए दे रखे 100-200 रुपए, तो उस 200 रुपए के कितने ग्राम में बादाम मिलेंगे या कितने रुपए के कितना ग्राम मिलेगा, इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले अपन को किलो में कितने ग्राम होना जानना जरूरी है दोस्तों। एक किलो बराबर 1000 ग्राम, ठीक है दोस्तों। एक किलो में कितने ग्राम होते, 1000 ग्राम होते, ठीक है। अपन ने लिख लिया 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक किलो बादाम का दाम 900 रुपये है, तो 350 ग्राम का दाम क्या होगा, ठीक है। दाम निकालना है दोस्तों, तो अपन यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अपन कभी भी किसी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पर कितना ग्राम मिलेगा, कितने रुपए का मिलेगा, ये कॉपी में तो नहीं निकालेंगे जल्दी से, इसलिए अपन मोबाइल में आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए मोबाइल की मदद से करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर को क्या निकालना है, अपन को दाम निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। दाम निकालना है तो अपन दाम को पहले लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। किलो का दाम भाजक ग्राम, ठीक है दोस्तों। किलोग्राम मतलब 1000 होते इस किलो का ग्राम, किलो ग्राम, ठीक है दोस्तों। किलोग्राम मतलब 1000, जो ग्राम आया वो किलोग्राम, एक किलो में कितने होते ग्राम, उसको भाग करना है। फिर क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर कितना देर का है, 350 ग्राम का दाम निकालना है, ठीक है दोस्तों। दाम निकालना है इसलिए अपने किलो का दाम यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आगे एक और ग्राम निकालना है, वो भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर अपन को लिखना है 350, मतलब दाम लिखना 350 ग्राम का लिखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ग्राम, तो अपन मोबाइल की मदद से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके सामने कैलकुलेटर है मोबाइल का, तो अपन सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, किलोग्राम मतलब किलोग्राम का दाम, तो दाम कितना है दोस्तों, एक किलो का दाम कितना, 900 रुपये है, तो अपन ने यहाँ पर 900 लिख लिया, यहाँ ऊपर 900 आ गया, ठीक है दोस्तों। इसको भाग करना है किलो के ग्राम से, एक किलो में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं, तो अपन को यहाँ पर 1000 से भाग करना है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करना, मल्टीप्लाई करना है जितने ग्राम होते हैं, क्योंकि अपन इस जो 350 ग्राम दे रखा है उसका क्या निकालना है, दाम निकालना है। तो यहाँ पर 350 ग्राम, तो दोस्तों यहाँ पर बराबर करेंगे, ठीक है। तो कितना है, तो दोस्तों अपने सामने 315 रुपये निकल आ गए, जो किसका मूल्य, 350 ग्राम का दाम है, ठीक है दोस्तों। अब अपन दाम का ग्राम कितना मिलेगा वो निकाल कर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अपन क्या करते हैं, 200 रुपये का निकालते हैं, यहाँ पर रुपए का ग्राम निकालना है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है किलोग्राम मतलब जो किलो का ग्राम होता है उसको पहले लिखना है, फिर किलो का दाम लिखना है इसको, जो जितने रुपये का पूछा जाता है, जैसे 200 रुपये का पूछा जाता है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अपन करते हैं, किलोग्राम पहले लिखते थे, 1000 ग्राम को पहले निकालना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अपन को ग्राम निकालना है, दाम का ग्राम निकालना है, 200 रुपये का कितना ग्राम मिलेगा, तो अपन ग्राम पहले लिखे, उसके बाद क्या करना है, भाग करना है किलो के दाम से। तो 900 रुपये किलो है दाम, तो फिर क्या करना है दोस्तों, फिर मल्टीप्लाई करना है 200 से, तो 200 रुपये से कर दिया, तो यहाँ पर आपके सामने कितना आ गया दोस्तों, बराबर करते हैं, यहाँ पर 222 ग्राम आएगा, ठीक है दोस्तों। 200 रुपये का कितना आएगा, 222 ग्राम आएगा। इसी तरह के नए नए वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।